बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि अगर हम किसी वली अल्लाह से अपने किसी मकसद के लिए मदद लेना चाहें, किसी हाजत के लिए के वो दस्तगीरी करें, उनसे दुआ कराना चाहें जो अब के दुनिया में नहीं है, पर्दा फरमा चुके हैं, मसलन गौर से पाक है या कोई भी वली अल्लाह है, तो उसका कोई खास तरीका है कि हम उनकी बारगाह में कुछ इशारे सवाब करके भेजें, या किस तरीके से हम दुआ करें कि हम तो खुद तवज्जो करें और हमारी हाजत उनकी दुआ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसके अलावा एक सवाल यह है कि मेरे जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी, औलिया कामिलीन दुनिया से गुजर चुके हैं, जैसे हज़रत गौसे आज़म के बारे में हज़रत गौस पाक जो है उनके उसमें आप करना चाहती हैं, तो बिल्कुल ये तरीक़ा है कि इसारे सवाब उनके हक़ में पहले करें। कम से कम एक मरतबा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुलुअल्लाह पढ़ के और दुरूशी पढ़ के जाइए, इसारे सवाब उनको कर दें और फिर उनके वसीले से फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हज़रत गौस पाक के सदक़े से, उनके वसीले से, उनके तुफ़ैल से या अल्लाह मेरी ये हाजतें पूरी कर दे। तो ये जो है उनसे जो है मदद लेने का तरीक़ा है, और ये अल्लाह का वसीला पेश करके उनके सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह से दुआ करें, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेते हैं और आपकी हाजत इंशाल्लाह पूरी होगी। बहुत खूब हज़रत।